हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के पहले के कुछ एग्जांपल्स। एक्चुअली इस एक्सरसाइज के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, बट हाँ ये फॉर्मूले पे बेस्ड है। थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को मैं स्किप नहीं करूंगा। जहां बहुत ज़्यादा ईजी होगा तो वो आपके लिए असाइनमेंट्स होंगे, अदरवाइज इन एक्सरसाइज को मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो में सारे फॉर्मूलेस के एक्सप्लेनेशन एंड उनको लर्न नहीं किए हैं तो आपको ये डेफिनेट सी बात है कि एक्सरसाइज के एग्जांपल्स बहुत टफ जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आपको वो सारे फॉर्मूले वाली वीडियो देखनी चाहिए, तब जाकर के आपको ये समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 से। इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट 10 cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot 10 इनवर्स x। तो ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LHS पार्ट से। तो LHS पार्ट में दिया है कि 10 cot इनवर्स x। ओके, अब हमको पता है स्टूडेंट्स की जो cot इनवर्स x है वो होता है पाई अपॉन 2 माइनस 10 इनवर्स एक्स। नाउ द क्वेश्चन की कहाँ से आया है, तो हमको पता है स्टूडेंट्स की 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है पाई अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपली हम कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस 10 इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा से हो जाएगा कॉट थीटा। तो थीटा क्या था, यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स था। तो इस तरीके से हो जाएगा कॉट इंटू 10 इनवर्स एक्स। ऐसा इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि RHS में हमको यहाँ पे कॉट चाहिए, तो हमको कॉट मिल चुका है एंड 10 इनवर्स एक्स भी मिल चुका है। तो इस तरीके से हमको मिल गया RHS। बहुत सिंपल था आंसर स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें बोला गया है कि फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कॉट इंटू 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है दैट इज कॉट 10 इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो हमको पता है स्टूडेंट्स की 10 इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, दैट इज पाई अपॉन 2। तो हो जाएगा सिंपली पाई अपॉन 2, तो हो जाएगा cot पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 मतलब हो गया 90 और cot 90 की वैल्यू होती है 0। सो दिस इज योर आंसर। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। इसमें बोला गया है अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल है 2 पाई अपॉन 3 के, तो प्रूव कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होगा पाई अपॉन 3 के। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको लिख देंगे, दैट इज गिवन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको ये भी पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो इक्वल होता है पाई अपॉन 2 के। इससे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को अगर चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा बेसिकली पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो cos इनवर्स x की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो हो जाएगा ये पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो ये पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा। अब हमको पता है स्टूडेंट्स की cos इनवर्स y को हम पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स y भी बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है पाई अपॉन 2, तो वहां से हो जाएगा cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स y। ऐसा इसलिए किया गया स्टूडेंट्स क्योंकि जो हमको प्रूव करना है उसमें LHS पार्ट में था साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स y। तो यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स x तो था पर साइन इनवर्स y नहीं था, इसलिए उसको कन्वर्ट कर लिया कि हमको साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y मिल जाए। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे दोनों निगेटिव है और हमको प्रूव करना है पॉजिटिव में, तो इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू इस 2 पाई अपॉन 3 को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा पाई अपॉन 2 एंड पाई अपॉन 2 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा पाई, तो हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3। ओके, एंड सिंपली इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में कुछ भी तो 1 है, तो सॉल्व करने पर जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3। तो 3 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा पाई अपॉन 3, यही हमको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। इसमें बोला गया है कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू है थीटा के, तो प्रूव कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल होता है पाई माइनस थीटा के। ओके, तो जो गिवन कंडीशन है उसको पहले लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है थीटा के। अब यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स में, एंड इसी तरीके से इस साइन इनवर्स वाई को कन्वर्ट कर सकते हैं पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई में, एंड इक्वल हो जाएगा थीटा के। ओके, एंड सिंपली स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 हो जाएगा पाई, माइनस कॉमन निकालेंगे तो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से इस पूरे टर्म को उधर ट्रांसपोज कर देंगे एंड थीटा को इधर ला देंगे, तो ये हो जाएगा बेसिकली पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो यही हमको प्रूव करना था जो कि मिल चुका है।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें बोला गया है कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू है 1 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमको इस एक्स की वैल्यू निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन कंडीशन है उसको पहले लिख देंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस साइन को बेसिकली स्टूडेंट हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि हमको पता है कि एलजीस पार्ट तो एज इट इज रहेगा एंड साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई अपॉन 2। इट मीन्स अगर हम साइन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाय 2 लिखेंगे तो आप ही सोचिए कि साइन उधर जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो वहां से हमको फॉर्मूला मिलता है कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई अपॉन 2। ओके, अब अगेन एलजीस पार्ट तो एज इट इज रहेगा, पर हम इस पाई अपॉन 2 को बेसिकली साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो उसकी जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो कि दोनों साइड का हम साइन ले लेंगे, तो हो जाएगा ये एक्स इज इक्वल टू 1/5 विच इज वैल्यू ऑफ द एक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई अपॉन 4। तो बेसिकली हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि हमको पता है स्टूडेंट्स कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे x x की जगह पे 1/5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेसिकली tan इनवर्स 2/5, एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर का हो जाएगा 1 एंड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 यानी कि 24/25। जब इसको रेसिप्रोकल करके उल्टा लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 25/24। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 मिल जाएगा, एंड 5 से ये 5 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमको वैल्यू मिली स्टूडेंट्स tan इनवर्स 5/12 वो इस पूरे की वैल्यू मिली है, तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसकी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई अपॉन 4। अब हमको पता है कि पाई अपॉन 4 को हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो मैं बता दूं कैसे होता है ये tan पाई अपॉन 4, यानी कि होता है बेसिकली ये 45। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से अगर हम tan को उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 4। तो ऐसे ही पाई अपॉन 4 की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू पुट अप कर देंगे जो कि फॉर्मूला है। तो वहाँ से हो जाएगा ये tan इनवर्स 5/12 माइनस 1/1 प्लस 5/12 इंटू 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5-12/12, यानी कि हो जाएगा बेसिकली -7/12। एंड यहाँ से हमको मिल जाएगा 12+5/12 यानी कि 17/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा -7/17। यहाँ से 10 एंड 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल वैल्यू हो जाएगी -7/17। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 2x/1+x² प्लस कॉस इनवर्स 1-y² / 1+y². ओके, यहाँ पे जो मोड ऑफ x है वो लेस देन 1 है, y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड x इंटू y लेस देन 1 है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है उसको एज इट इज लिख देंगे। ओके, एंड अब हमको पता है स्टूडेंट कि साइन इनवर्स 2x/1+x² जो है ये बेसिकली फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। ऐसे ही कॉस इनवर्स 1-y² / 1+y² जो होता है वो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स y का। तो हम यहाँ पे इसके बदले 2 tan इनवर्स x लिख देंगे एंड इसके जगह पे 2 tan इनवर्स y लिख देंगे। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा tan 1/2 ऑफ 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, जैसे ही 2 कॉमन आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अब हमको पता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1-xy। ओके, अब यहाँ 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x प्लस y अपॉन 1-xy जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है उसकी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। इसमें बोला गया है कि अगर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल है tan इनवर्स x के,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कीजिए एक्स, यानी कि इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और अगर ए बी जो है उस समय ग्रेटर देन है माइनस वन के, तो चलिए जो गिवन कंडीशन है उसको पकड़ते हैं, वो है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स के। तो अब हमको पता है स्टूडेंट्स की टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स के। तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 का। तो चलिए देखते हैं, सपोज कीजिए टेन इनवर्स 2 की हमको वैल्यू पता नहीं है, तो टेन इनवर्स 2 को हम लेट कर रखिए अल्फा है, एंड कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू है बीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में चलिए क्वेश्चन में वैल्यू पुट अप करते हैं, तो जगह सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो हमको पता है कि इसकी वैल्यू अल्फा है एंड इसकी वैल्यू बीटा है, अभी हमने लेट किया ऊपर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा। ओके, अब इस सेक स्क्वायर अल्फा को हम ले सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये आइडेंटिटी आप क्लास 10th और 11th से पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता होगा। एंड कॉसेक स्क्वायर बीटा को ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, एंड टेन स्क्वायर अल्फा, तो टेन स्क्वायर अल्फा का क्या हो जाएगा, ये 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू 2, तो सिंपली उसकी जगह टेन अल्फा की जगह 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2 एंड उसका स्क्वायर, एंड यहाँ पे कॉट स्क्वायर बीटा की जगह हम रख देंगे, दैट इज कॉट बी इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो जगह 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 एंड 3 का स्क्वायर 9, सिंपल जब प्लस करेंगे तो जगह आंसर 15। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, विच इज एग्जांपल नंबर 10। इसमें बोला गया है कि अगर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल है पाई अपॉन 2 के, तो प्रूव कीजिए कि 10 इनवर्स x इक्वल है कॉट इनवर्स y के। ओके, ये हमको प्रूव करना है, तो हम पकड़ते हैं सबसे पहले गिवन कंडीशन को। गिवन कंडीशन है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे इस पाई अपॉन 2 के बदले हम लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने फॉर्मूला देखे थे स्टूडेंट्स की 10 इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y जो होता है वो इक्वल होता है पाई अपॉन 2 के। तो यहाँ से 10 इनवर्स y और 10 इनवर्स y कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा 10 इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स y, जो कि हमको प्रूव करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। ओके, तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज लिख दिया गया है। ओके, एंड आगे यहाँ पे 10 इनवर्स 2 कॉस एंड इस 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 के बदले में लिख सकते हैं 2, एंड साइन की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 वो होती है साइन 30 के लिए, इट मीन्स पाई अपॉन 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन 3 हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 10 इनवर्स 2 कॉस पाई अपॉन 3। अभी जो कॉस पाई अपॉन 3 है बेसिकली ये 60 है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 10 इनवर्स 1, एंड 10 इनवर्स 1 जो है उसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। इसमें बोला गया है कि सिंप्लीफाई करना है हमको, दैट इज कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5 कॉस x प्लस 4 अपॉन 5 साइन x, ये हमको बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे x दिया वो बिलोंग कर रहा है माइनस 3 पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 4 के बीच में। अब आप यहाँ पे इस पे फोकस कीजिए स्टूडेंट्स कि सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे 3 अपॉन 5 की एक वैल्यू पुट कर दूँ एंड 4 अपॉन 5 को कुछ वैल्यू पुट अप कर दूँ, आई मीन कुछ लेट कर दूँ, तो एक फॉर्मूला बन सकता है। अगर मैं इस पूरे को कॉस थीटा बोल दूँ एंड इस पूरे को साइन थीटा बोल दूँ, तो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स, यानी कि इसका रियल फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट किया गया एंड जैसे ही उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा बेसिकली कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स, और ये कॉस इनवर्स एज इट इज रहेगा। ओके, अब यहाँ से हमको पता है कि फॉर्मूला किस चीज़ का है, दैट इज कॉस थीटा माइनस एक्स का है, तो यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा थीटा माइनस एक्स। बट अगेन द क्वेश्चन की थीटा कितना होता है, तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू को हमने लेट किए थे, तो वहाँ से टेन थीटा क्या होता है, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जैसे इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 अपॉन 3, जो कि टेन थीटा की वैल्यू है। तो जैसे थीटा निकल जाएगा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 3, तो हम इस थीटा की जगह रख देंगे टेन इनवर्स 4 अपॉन 3 एंड माइनस एक्स, विच इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 ऑफ साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2, तो इसकी हमको वैल्यू निकालना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे बाहर 10 है,
अगर हमको अंदर टेन इनवर्स मिल जाएगा तो वो बेटर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्या है 3/5 है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 3/5 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/5 अपॉन 1 - 3/5 का होल स्क्वायर जो होता है 9/25। एंड जैसे स्टूडेंट्स आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 10 inverse 3/4 के इक्वल होता है। आप ये सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको कॉट इनवर्स एक्स कन्वर्ट कर देंगे 10 इनवर्स में, तो उसके लिए क्या होता है इसको रेसिप्रोकल फॉर्मूला से अप्लाई कर देंगे, तो जगह 10 inverse 2/3। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली अब इन दोनों की वैल्यू पुट अप कर देंगे हम यहाँ पे। जैसे वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा 10 inverse 3/4 प्लस 10 inverse 2/3। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई होता है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x / y। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पे ये ऐसा होगा कि 10 inverse 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 - 3/4 × 2/3। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा सिंपली स्टूडेंट्स 17/6। इट मीन्स 10 inverse of 17/6, तो 10 inverse कैंसिल हो जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 17/6 विच इज आंसर। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें बोला गया कि प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल होता है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 के। तो चलिए इसका एलजेस पार्ट लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एलजेस पार्ट हम एज इट इज लिख देंगे कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब इसमें से स्टूडेंट्स क्योंकि 9/4 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा ये 9/4 ब्रैकेट में मिल जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे हमको पता है स्टूडेंट्स कि 90 या फिर π/2 माइनस साइन इनवर्स x जो होता है वो इक्वल होता है cos इनवर्स x के। तो ये हो जाएगा बेसिकली सॉल्व करने पे 9/4 और इसको लिख देंगे cos इनवर्स x, x का यहाँ पे 1/3 है तो ये हो जाएगा 9/4 cos इनवर्स 1/3। ओके, अब क्योंकि हमको IHS में जो प्रूव करना है वो साइन इनवर्स में है तो हम इसको वापस कन्वर्ट कर देंगे cos इनवर्स x को जो होता है इक्वल साइन इनवर्स अंडररूट 1 - x² के। तो हम इसको लिख देंगे 9/4 साइन इनवर्स ऑफ अंडररूट 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा ये 9/4 साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा एंड सॉल्व करने पे जाएगा 9, तो 9 - 1 दैट इज 8/9 मिल जाएगा अंडररूट में। अब इसमें हमको पता है कि अंडररूट 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं एंड अंडररूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो हमको सिंपली IHS पार्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।